नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, समग्र आईडी, समग्र पोर्टल। दोस्तों जैसा कि मैं आपको समग्र पोर्टल से रिलेटेड भी हर छोटी से बड़ी अपडेट से अवगत कराते रहता हूँ, उसी के तहत दोस्तों आज के दिन हम देखेंगे जो कि नई प्रोसेस से हमारी समग्र आईडी बनने लगी है उसके बारे में बिल्कुल पूरी प्रोसेस देखेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे किस तरह से हमें पूरा कार्य करना है। इसमें भी 0 से 5 साल तक के बच्चों का नाम किस तरह से जोड़ना है, जो कि यदि उनका 0 से 5 साल तक है तो उनके जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके आधार पर भी नाम जुड़ जाता है और आधार उसमें उनके माता पिता का लगता है। 5 साल से ऊपर है तो आधार कंपलसरी है, फिर आपको आधार कार्ड होना जरूरी है, उसके बाद ही आप जो है समग्र में नाम जुड़ा पाएंगे। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस दोस्तों इसमें रहेगी, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमारा आधार पे ओटीपी आएगा। यदि आधार ओटीपी ज़्यादा देर तक, उसका भी लिमिट है दोस्तों, ज़्यादा टाइम में डालेंगे तो एरर आ जाती है, इसलिए उसको जैसे ही ओटीपी आए वो लिमिट में आप ओटीपी डालें, आधार ओटीपी, तो जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी डिटेल दोस्तों किस तरह से होगी, एक एक स्टेप आप आज के इस वीडियो में देखेंगे। और भी कोई क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन होता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं समग्र आईडी में नए सदस्य की, सदस्य आईडी किस तरह से बनाए, नए सदस्य को किस तरह से पंजीकृत कर सकें। ठीक है, तो पूरा वीडियो दोस्तों इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाई स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें सर्वप्रथम टाइप क्या करना होगा, हमें समग्र पोर्टल पर samagra.gov.in टाइप करना है, samagra.gov.in samagra.gov.in। जैसे हम टाइप करें तो इस तरह समग्र पोर्टल आ जाएगा। अब दोस्तों ओपन पोर्टल से कोई भी आम व्यक्ति जो है अपने नए परिवार को पंजीकृत करने के लिए और नए सदस्य को पंजीकृत करने के लिए आसानी से जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और समग्र आईडी बनवा सकते हैं। ठीक है, और अधिकारी कर्मचारीगण को भी यदि बनाना है तो यहीं से अब बना पाएंगे, क्योंकि लॉगिन करने के बाद जो है सदस्य पंजीकृत करने या नया परिवार पंजीकृत करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहीं से आम व्यक्ति भी और जो है अधिकारी कर्मचारीगण भी सदस्य पंजीकृत कर पाएंगे या परिवार पंजीकृत कर पाएंगे। चलिए मैं सदस्य पंजीकृत करने पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा पहले से मौजूदा परिवार, मतलब एग्जिस्टिंग फैमिली के लिए अपने सदस्य को पंजीकृत करें। महत्वपूर्ण निर्देश आप जरूर पढ़ लें, यहाँ जो जो भी लिखा हुआ है निर्देश। इसके बाद पहले से मौजूद परिवार के लिए अपने सदस्य को पंजीकृत करें। अब मोबाइल नंबर द्वारा खोजें, यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो यहाँ लिखा आगे बढ़ जाएगा काम, यदि नहीं होगा तो क्या आता है, चलिए मैं एक करके देखता हूँ। यहाँ मोबाइल नंबर एक लिखता हूँ और कैप्चा कोड ये लिखना है, इसके बाद ओटीपी जनरेट पर क्लिक करना है। चलिए मैं करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका जो आपने दर्ज किया है मोबाइल नंबर, यदि वो समग्र आईडी से लिंक नहीं है या अपडेट नहीं है तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा कि दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर कोई भी परिवार आईडी पंजीकृत नहीं है, कृपया सही मोबाइल नंबर दर्ज करें अथवा ई केवाईसी द्वारा मोबाइल नंबर अपडेट करें। फैमिली आईडी इज़ नॉट रजिस्टर्ड ऑन एंटर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ एंटर वैलिड मोबाइल नंबर और डू ई केवाईसी फॉर अपडेट मोबाइल नंबर। ठीक है, तो या तो वैलिड मोबाइल नंबर डालें या फिर ई केवाईसी के जरिए मोबाइल नंबर को अपडेट करें, ये यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। इसके बाद क्लोज पर हम क्लिक कर दें। इसके बाद हम एक ऑप्शन और कर सकते हैं, यदि हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद भी हम जो है मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो SPR पोर्टल से दोस्तों हम लॉगिन करते हैं, और यदि आम व्यक्ति लॉगिन अपडेट करना चाह रहे तो उनको क्या करना होगा, उनको सीधे जाना होगा होम पेज पर और ई KYC करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर पहले अपना जो है यहाँ समग्र सदस्य आईडी आपको प्रिंट करनी होगी, उसके बाद डालनी होगी, उसके बाद खोजिए जो सिंपल सी प्रोसेस है, और मोबाइल नंबर भी यहाँ से पूरा आधार अनुसार अपडेट कराना होगा। ठीक है, और यदि अधिकारी कर्मचारीगण कर रहे हैं तो वो लॉगिन कर मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम spr.samagra.gov.in पोर्टल ओपन कर लेंगे, इस तरह से होम स्क्रीन दिखने लगेगी। इसके बाद दोस्तों हम सीधे लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन के बाद हमारे ग्राम पंचायत के यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करें पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने होम स्क्रीन आ जाएगी, कर्मचारी प्रबंधन एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेशन। अब दोस्तों यहाँ यदि आपके पास मान लीजिए 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायत हैं या वार्ड 2 से अधिक हैं तो आप स्विच ज्यूरिडिक्शन पर चले जाएँ, यहाँ जो आप प्रोफाइल में जिनकी करना चाहते हैं, मान लीजिए दूसरी ग्राम पंचायत का यहाँ लिखा है तो आपकी जो ग्राम पंचायत है उसको सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और स्विच ग्राम पंचायत या जोन सेलेक्ट कर लें, सक्सेस जाएगा, आपकी वर्तमान प्रोफाइल सफलतापूर्वक परिवर्तित हो गई। अब क्लोज पर क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ हमें क्लिक करना है, इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे, इसका सदस्य पंजीयन एवं प्रबंधन पर जाएंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया, क्लिक करने का दोस्तों मेंबर प्रोफाइल है,
मेंबर प्रोफाइल में सबसे ऊपर है मोबाइल नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ लॉगिन कर मेंबर प्रोफाइल मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पोर्टल परिवार सदस्य आईडी आएगी, तो जो भी हेड हैं या कोई से भी सदस्य हैं उनके नाम के जो मोबाइल सदस्य आईडी नोंको वाली वो यहाँ पर डाल लें। जैसे दोस्तों आप समग्र आईडी सदस्य आईडी डालेंगे नोंको की, इस तरह से आ जाएगा, नेम आ जाएगा, मेरिटल स्टेटस, अन्य कैटेगरी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो, और आप जो नया अपडेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर अपडेट कर दें। इसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दें तो यह मैसेज आएगा मोबाइल नंबर हैज़ बीन अपडेटेड या सी डेट सक्सेसफुली, क्लोज पर क्लिक। अब हम वापस दोस्तों यहीं चल रहे हैं जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था, कौन से वाले ऑप्शन पर, जो बाहर दोस्तों। अब फिर से हम होम पोर्टल पर जाएंगे samagra.jovi.in, यहाँ समग्र में परिवार सदस्य पंजीकृत करें, सदस्य पंजीकृत करने पर क्लिक। इसके बाद हमें मोबाइल नंबर अपडेटेड जो है वो डालना है, कैप्चा कोड डालना है, ओटीपी जनरेट पर क्लिक करना है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने अपडेट कर दिया तो यहाँ लिखा गया सक्सेस का मैसेज, आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया, ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू एंटर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों यदि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो मैंने ऑप्शन दिखा दिया, आप लॉगिन कर एसपीआर पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट कर लें, उसके बाद यहाँ नंबर डालें आपका मोबाइल नंबर, तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा सक्सेस का। अब ओटीपी चले गया, अब आपको ओटीपी एंटर्ड करना है, क्लोज पर क्लिक करते हैं। अभी आएगा आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी, प्रवेश करें यहाँ वो डालना है और ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप डाल देंगे ओटीपी तो यहाँ आ जाएगा परिवार जानकारी, जिला लिखा जाएगा, स्थानीय निकाय, पंचायत, पता, गांव, वार्ड, समग्र परिवार आईडी 8 अंक वाली आ जाएगी, परिवार मुखिया का नाम, परिवार वर्ग, कुल सदस्य कितने हैं, धर्म आ जाएगा, परिवार के सदस्यों की जानकारी आ जाएगी। ये देखिए आप पूरे सदस्य दे सकते हैं, क्रमांक, समग्र सदस्य आईडी, नोंको वाली सदस्य का नाम, उम्र, लिंग, पहले पूरा चेक कर लें। इसके बाद आप नीचे चलेंगे, ये देखिए यहाँ इस तरह से आएगा परिवार के सदस्यों को जोड़ें। पहला ऑप्शन है सदस्य जोड़ें 5 वर्ष तक आधार के बिना। आपको पता है कि 5 वर्ष तक जो बच्चों के हैं वह आधार के बिना नाम जुड़ जाते हैं, उसमें आधार लगते हैं उनके माता पिता के, ठीक है। और 5 वर्ष के बाद जो है सदस्य जोड़ें आधार के साथ, तो 5 वर्ष के बाद जो है उसमें आधार कंपलसरी है, मतलब फिर आधार होना जरूरी है, उसके बाद ही नाम जुड़ेगा। तो 5 वर्ष तक यदि कोई है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र उनके नाम आधार पर नाम जुड़ जाता है और आधार उनके माता पिता का लग जाता है। तो चलिए मैं पहला वाला ऑप्शन आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर ये भी दिखा दूंगा सदस्य जोड़ें आधार के साथ। तो पहले हम करते हैं सदस्य जोड़े 5 वर्ष तक आधार के बिना, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो ये देखिए आपको इस तरह से आ जाएगा मौजूदा परिवार, नया सदस्य जोड़ें, या महत्वपूर्ण निर्देश भी हैं ये जरूर देख लें। इसके बाद आपको प्रथम नाम अंग्रेजी में लिखना है, मध्य नाम अंग्रेजी में, अंतिम नाम अंग्रेजी में। इसी तरह प्रथम नाम हिंदी में, मध्य नाम हिंदी में, अंतिम नाम हिंदी में। सही सही लिखें, बिल्कुल जैसा जन्म प्रमाण पत्र में लिखा है, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है, इसलिए आप सही सही लिखें। जन्मतिथि बिल्कुल सही लिखें, आयु यहाँ अपने आप आ जाएगी जैसे जन्मतिथि लिखेंगे। लिंग सही सेलेक्ट करें, पुरुष, महिला या अन्य। मुखिया के साथ रिश्ता क्या है वो जरूर सेलेक्ट कर लें, पुत्र है, पुत्री या जो भी हैं वो जरूर सेलेक्ट कर लें। सही डॉटर इन लॉ है या मदर ग्रैंड डॉटर है, पोती है, जो भी है ना। इसके बाद जाति जरूर सेलेक्ट करें यहाँ से, क्योंकि यहीं से आपका जाति जो है वह फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यदि आप जाति सेलेक्ट सही नहीं करेंगे तो गलत आपका जो है आईडी बन जाएगी, इसलिए जाति से सिलेक्ट करें। पता, जन्म प्रमाण पत्र क्या लगा रहे हैं आप, जैसे 0 से 5 वर्ष का तो उनमें बर्थ सर्टिफिकेट लग जाएगा, 5 वर्ष के बाद वाले हैं तो आधार कार्ड लगाना कंपलसरी है और उसको स्कैन करके लगाना है हमको। 100 KB से कम या बराबर एवं प्रकार का JPG या PDF होना चाहिए। PDF या JPG दोनों में कर सकते हैं, मतलब इमेज रूप में भी, फोटो रूप में भी या PDF रूप में, और 100 KB से कम होना चाहिए यहाँ अपलोड करना है। यहाँ चेकबॉक्स है कि आप संबंधित सूचना व्हाट्सएप प्राप्त करना चाहते हैं, चेक कर दें, सही है, व्हाट्सएप पर क्योंकि आजकल कंपलसरी हो ही गया है। और यहाँ लिखा रहेगा मैं स्व प्रमाणित करते हुए ये घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए विवरण एवं मेरी जानकारी सत्य एवं शुद्ध है। मुझे विदित है कि यदि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथ्य सही नहीं पाए जाते तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी। यहाँ भी चेक करना है, फिर सदस्य जोड़ने पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे प्रथम नाम अंग्रेजी में लिख दिया है, यहाँ पर बिल्कुल जैसे आधार कार्ड भी है इनका बच्चों का, तो आधार कार्ड भी यदि आधार कार्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आधार कार्ड अनुसार लिख सकते हैं। यदि जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार लिख दें। इसका मध्य नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम नाम जरूर लिखें, प्रथम नाम सबसे कंपलसरी है, ठीक है। मध्य नाम और अंतिम नाम नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो लिख दें, ठीक है। ये लिख दिया, अब प्रथम नाम हिंदी में, मध्य नाम हिंदी में, अंतिम नाम हिंदी में। अब हिंदी में लिखने के लिए दोस्तों कई सारे टूल्स हैं, यदि आपको हिंदी टाइपिंग आती तो हिंदी टाइपिंग आप उसके जरिए कर सकते हैं, या फिर गूगल ट्रांसलेट भी है उससे कर सकते हैं, या एक मैं आपको और अच्छा दिखा देता हूँ, ये रहता है ट्राई गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा है आपको क्या टाइप करना है, GOOGLE google.co.in google.co.in/
इनपुट टूल्स ऑब्लिक ट्राई ऑब्लिक, ठीक इस तरह से करना है आपको। तो आप जैसे ये टाइप करें तो ट्राई गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन आ जाएगा। आप इसमें बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट रहती है, आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं। कई सारी लैंग्वेजेस हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगी हिंदी लैंग्वेज होगी। ये और भी व्यक्तियों के लिए है जो और भी कुछ टाइप कर किसी सॉफ्टवेयर पर काम करना चाह रहे हैं या वेबसाइट पर, तो कोई सी भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हिंदी मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर ली, अब यहाँ हम लिखेंगे तो आसानी से लिखा जाएगा। जैसे मुझे दिव्यांश लिखना, तो डी आई जो हम लिखते हैं वैसे ही इधर लिख दें, तो ये देखिए ये मैंने लिखा, आप स्पेस क्लिक करें तो ये देखिए दिव्यांश पूरा लिखा हुआ आ गया। कोई सा भी नाम आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी टूल है, ऐसे उइके लिखना है जैसे मुझे, तो ये मैंने उइके भी लिख दिया, तो बढ़िया है। तो ये एक मैंने आपको एक नई चीज़ दिखा दिया, ट्राई गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन। आप कई सारी चीज़ों में इस टूल्स का यूज़ कर आप जैसे हिंदी में जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो हिंदी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ये हमने लिख दिया, यहीं से हम कॉपी पेस्ट वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दिव्यांश को मैंने कॉपी कर लिया है और ये देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी तरह अंतिम नाम भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो ये बिल्कुल उनके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे जिनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं भी आती है, सीधे जल्दी से आपको करना है हिंदी में लिखना है, आपको टाइपिंग नहीं भी आती है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन सेलेक्ट करें यहाँ से और सीधे आप इस तरह से हिंदी लिख लें, ठीक है। तो आपको कोई टाइपिंग की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसको करके आप सीधे जो है उधर पेस्ट कर ले यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ करा, यहाँ पेस्ट कर दिया, ये लिखा गया, ठीक है। सबसे बढ़िया बता दिया है, आप आसानी से किसी भी पोर्टल पर इस तरह से कार्य हिंदी में कर सकते हैं। अब जन्मतिथि के लिए आपको यहाँ कैलेंडर आ जाएगा, इस तरह से लिखना है DDMMYYY, मतलब पहले डेट लिखना है, फिर मंथ, फिर ईयर। अच्छा दोस्तों इसमें एक चीज़ बता भी देगा, मान लीजिए आपको किसी ने दिया, आपको लग रहा 5 साल के पहले और आपने यहाँ एंटर करा, तो ये खुद ही पोर्टल बता देगा। जैसे आप इधर बाहर क्लिक करेंगे तो लिखा जाएगा यूअर मेंबर एज इज ग्रेटर देन 5 ईयर्स, तो हमें कहाँ जाना होगा, फिर से बाहर जाना होगा और जो हमने सेलेक्ट किया था 5 वर्ष से छोटा वाला, तो अब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा 5 वर्ष से बाद वाला, ठीक है। तो हम फिर से होम पर इधर बैक होते हैं और हम कहाँ जाएंगे, आप सदस्य जोड़ें आधार के साथ वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करने के बाद वही चीज़ें अब दोस्तों इसमें देखिए चेंजेस हो गया, जो मैं आपको 5 साल से पहले का दिखा रहा था उसमें सिंपल था, है ना, सिंपली हमें जानकारी देना था जो मैंने आपको बताया। इसमें क्या होगा, मैं इस बार ने दोनों आपको पता चल गया, इसमें अब ये जो 5 साल से ऊपर है इसमें सीधे आधार वेरिफिकेशन होगा। महत्वपूर्ण निर्देश भी यहाँ देख लें आप, और यहाँ पूरी जो घोषणा है वो भी है। इसके बाद आधार का ऑप्शन आ गया, सीधे आपको आधार नंबर दर्ज करना है और आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आधार OTP जाएगा। यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार से तो फिंगरप्रिंट का उपयोग कर भी आप OTP सत्यापित कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो बायोमेट्रिक मशीन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और यदि लिंक है मोबाइल नंबर, आजकल लिंक रहता ही है अधिकतर, तो हम OTP द्वारा इसको सत्यापित कर सकते हैं। चलिए मैं आधार नंबर लिखता हूँ और इसके बाद कहाँ क्लिक करूँगा, OTP का अनुरोध करें, इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा जाएगा OTP सेंड टू द मोबाइल नंबर, आखिरी के 4 नंबर देखेंगे मोबाइल नंबर के, तो आप देख ले कौन सा मोबाइल नंबर आपका लिंक है, उस पर OTP आएगा, फिर OTP डालें, क्लोज कर दें अभी। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का जो OTP आया है वह डालना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो है ये जो OTP जाएगा, जो आपका आधार के साथ लिंक है मोबाइल नंबर, उस पर OTP जाएगा, आधार में जो अपडेटेड है मोबाइल नंबर उस पर, ठीक है। यहाँ लिखा भी रहेगा आवेदक के आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर को प्राप्त OTP प्रविष्ट कर EKYC करें, तो यही प्रविष्ट करेंगे तो EKYC भी यहाँ से हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से आ जाएगा आपको व्यक्तिगत जानकारी, प्रथम नाम, अंग्रेजी में मध्य नाम, अंतिम नाम। अब आप हिंदी में कैसे टाइप करेंगे, यहीं से आपको टाइप करना है, ट्राई गूगल इनपुट से हिंदी में आप टाइप कर दें यहाँ से पूरा। इसके बाद जन्मतिथि आ जाएगी, आयु वर्ष में जाएगी, जैसे जन्मतिथि बाय डिफॉल्ट लिखी रहेगी क्योंकि पहले से जो फ्रीज है वो, लिंक लिखा रहेगा मुखिया के साथ रिश्ता, ये ज़रूर आप सेलेक्ट कर लें, जैसा क्या है रिश्ता, जैसे पोता है तो पोता लिख दें, मोबाइल नंबर जरूर लिख दें। अब जो अपडेटेड है वैवाहिक स्थिति, जैसे अनमेरिड है तो अनमेरिड, मेरिड है तो मेरिड, डाइवोर्स तलाकशुदा, विडोर मतलब विदुर, एबंडेंट मतलब प्रेजक्ता, तो जैसे अनमेरिड है तो अनमेरिड पर क्लिक कर दिया। धर्म आप देख लें, जैसे हिंदू है, सारे धर्म हैं यहाँ पर, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, इस्लाम, जैन, अदर, पर्सियन, सिख सभी। फिर जाति सेलेक्ट कर लें, जाति कौन सी है यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लें, और ये वही ऑप्शन है दोनों, व्हाट्सएप पर सूचना प्राप्त करना चाहते हैं और स्वघोषणा, तो ये सब लिख लें। अब जैसे दोस्तों इनकी जाति जैसे SC है, SC ST OBC जनरल है, तो SC पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ जाति प्रमाण पत्र का नंबर मांगेगा और जारी करने की तिथि मांगेगा, तो ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिख देते हैं हम,
दोस्तों यहाँ जाति प्रमाण पत्र नंबर बिल्कुल जो ऑनलाइन निकला है वही आपको डालना है, जारी करने की तिथि भी लिखी रहती है उस पर वो लिखना है। व्हाट्सएप पर सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी लिखना होगा। इसके दोस्तों सदस्य जोड़ने पर आप क्लिक कर दें। तो दोस्तों जैसे ही आप सदस्य आईडी जोड़ने पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो है नामांकन आईडी मिल जाएगी आपको। आप उस आईडी से आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारी सदस्य आईडी बनी है या नहीं। ये सदस्य आईडी जैसे ही आप बनाएंगे तो जो है ब्लॉक लॉगिन आपके जनपद लॉगिन पर पहुंच जाएगी। वहां से वेरीफाई होने के बाद आपको आसानी से जैसे ही आप परिवार आईडी से सर्च करेंगे तो आपकी जो है आईडी शो होने लगी, ठीक है। तो आपको जो क्या मिलेगी नामांकन आईडी या इसको हम बोलेंगे अनुरोध आईडी है ना, वो मिल जाएगी। तो उसके द्वारा आप अपना अनुरोध खोल सकते हैं। यहाँ से क्लिक कर कर आपकी जो अनुरोध आईडी द्वारा परिवर्तन के लिए खोज अनुरोध, यहाँ अनुरोध आईडी लिख दें और फिर ये लिख कर सदस्य विवरण प्राप्त करें। तो इससे पता भी चल जाए कि कहाँ तक आपकी आईडी पहुँची है और आईडी बनी है या नहीं, ठीक। और जैसे ही बनेगी तो आपको आईडी नंबर भी यहाँ से दिख जाएगा। और सीधे आप जो है यहाँ जाएंगे परिवार आईडी से समग्र कार्ड प्रिंट करने पर तो आपकी जो है 24 घंटे से 48 घंटे के बीच जो है आईडी जुड़ी हुई भी आपको आपके परिवार में दिख जाएगी, ठीक है। और भी दोस्तों कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत कराते रहूँगा, इसलिए आप मेरे साथ बने जो रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।